अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो सुबह का टाइम है दोस्तों, तो सुबह का सलाम हो गया आप सब भाइयों को। और मौसम आज बहुत ही अच्छा है। रात काफ़ी टाइम बारिश होती रही और अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश थी और अभी बारिश दोस्तों रुकी है, बादल अभी भी मौजूद हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद दोस्तों हमारी साइड इतना तेज़ बारिश हुई है और रात काफ़ी मुझे मसला हो गया था। मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ मेरे साथ क्या सूरत हाल पेश आई, क्योंकि अचानक से बारिश आ गई और मेरी तैयारी नहीं थी दोस्तों। तैयारी क्या नहीं थी कि ऊपर मैं चल के आपको दिखाता हूँ कि क्या मसला मेरे साथ हुआ है। आज थोड़ा मैं दोस्तों रिलैक्स इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मुर्गियों के लिए काफ़ी अच्छा ये दिन है। क्योंकि बारिश के दिन क्या होता है दोस्तों कि लाइव फूड बाहर निकल आता है और मुर्गियाँ बहुत शौक से खाती हैं वो लाइव फूड। तो आज मैं मुर्गियों को अपने बाहर छोड़ दूँगा। नेबर्स तो तंग होते हैं लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मेरी मुर्गियाँ इस जगह पर ना जाएं। ये देख सकते हैं उन्होंने नए पौधे भी लगाए हुए हैं, लेकिन मैं कोशिश अपनी पूरी करूंगा कि मेरी मुर्गियाँ इनकी क्यारी में ना जाएं, इधर उधर घूमती रहें। तो चलें दोस्तों अपनी मुर्गियों के पास और आपको दिखाता हूं कि मेरी छत की क्या कंडीशन है और मेरे परिंदे कैसे हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं छत पर आ गया हूँ और ये देखें जी मेरी छत की कंडीशन। ये चारपाई यहाँ पर शाम को मैं बैठा था तो इसको मैं अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखें सारी रात बारिश होती रही और अभी तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी छत लग रही है, लेकिन रात के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। यहाँ तक पानी जमा हो गया था दोस्तों, ये वहाँ से देखें आप, वो सामने वाले पिंजरों से पानी शुरू हुआ, तालाब की तरह दोस्तों बन गया था और यहाँ तक मास्टर केज के दरवाजे तक खड़ा हो गया था पानी और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और दूसरा टेंशन ये हो रही थी दोस्तों, ये देखें यहाँ पर मेरे मुर्गियाँ और चूज़े होते थे दोस्तों, आप देख सकते हैं। अभी मुर्गियाँ और चूज़े इधर नहीं हैं। क्यों नहीं है दोस्तों? रात को पानी बहुत ज़्यादा इन मुर्गियों के ऊपर आ रहा था तो मैंने जल्दी से फिर मुर्गियों को नीचे वाले खाने में बंद कर दिया था। ये देखें तो इनको दोस्तों खोल लेते हैं और देखें पानी इतना ज़्यादा बढ़ा दोस्तों, ये देखें अंदर तक पानी जमा है। ये निकासी की वजह है दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि इस निकासी को मैं खुला करवा लूँ। इसके सुराख दोस्तों बहुत ही छोटे हैं और बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, थोड़ा सा गंद होना बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। तो मैं अब इसका कुछ करूँगा ताकि ये बंद ना हो और मुझे फिर टेंशन ना हो। और बाकी दोस्तों ये हमारे कबूतर नहीं है, वो कायम है, आपको वो भी दिखाता हूँ दोस्तों। रात इधर भी दोस्तों पानी आ रहा था तो फिर मैंने जल्दी से इनकी जगह चेंज कर दी, ये ना हो कि यार बीमार हो जाएं। और काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा था तो कबूतर मेरे दोस्तों मास्टर केज के अंदर हैं। तो अब मैं यहाँ से उठाऊँगा और क्या करूँगा, उनकी अपनी जगह पर वापस इनको छोड़ दूँगा। तो फ़िलहाल मैं आपको लकी कबूतर अपने दिखाता हूँ दोस्तों। रात के तकरीबन 12 बजे दोस्तों आई होगी बारिश, मैं नींद में था, मुझे छोटे भाई ने जगाया कि उठो भाई बारिश आ गई है, ऊपर जाके देखते हैं क्या कंडीशन है मुर्गियों की चूज़ों की। मैंने तो एक दफ़ा उसे मना किया था कि छोड़ो रहने दो कुछ नहीं होता, फुल मैं नींद में था, लेकिन उसने मुझे ज़बरदस्ती उठाया कि उठो जल्दी उठो बहुत तेज़ बारिश है। फिर जब मैंने बाहर देखा तो वाकई दोस्तों बहुत ही तेज़ बारिश थी और जल्दी से मैं फिर ऊपर गया और देखा पूरा तालाब बना हुआ है। मुर्गियाँ हमारी कोने में ठहरी हुई हैं, पिंजरे वाली मुर्गियाँ, और लकी कबूतर हमारे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। तो मैंने जल्दी से जगह चेंज की, सारा कुछ मतलब मैनेज किया तो हमारे लकी कबूतर दोस्तों ये बैठे हुए हैं जहाँ पर पहले बैठते थे दोस्तों। और बाकी हमारी ये फिंचेस दोस्तों बहुत ही हैप्पी लग रही हैं। हमारी कुछ मुर्गियाँ, यार मैं खोलना भूल गया हूँ, एक मिनट, अच्छा मौसम दोस्तों बहुत ही आज ठंडा ठंडा है, शायद अब सर्दियों की ये पहली बारिश है ऐसे समझे, अब इंट्री हो जाएगी सर्दियों की। तो ये वाली मुर्गे आ रही है, मैं खोलना भूल गया, ये जैसे हो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी दोस्तों। तो चलें जी दोस्तों दोबारा से मास्टर केज में। तो दोस्तों हमारी फिंचेस ये देखें, मैं अभी गौर कर रहा हूँ
हमारी फिंचेस दोस्तों नेस्टिंग पर बैठी हुई हैं। ये देखें वाइट फिंच दोस्तों नेस्ट के अंदर है, और ये देखें माशाल्लाह दोस्तों। यहाँ पर पहले दोस्तों डव्स हुआ करती थी, लेकिन अब फिंचेस ने घर बनाना शुरू कर दिया है मेरे ख्याल में, क्योंकि काफ़ी खुशी खुशी बैठी थी। और ये मैंने जब देखे है ना, ये अपना तिनके उठा रही है। ये देखें दोस्तों हमारी फिंच, ये देखें ये तिनके उठा के आ रही है। माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही खुशी वाली बात है मेरे लिए, ये तिनके उठा रही है। ये देखें ये इसके मुंह में तिनका है दोस्तों। ये देखें आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही मुझे खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह नेस्ट बनाना शुरू कर दिया है फिंच ने दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये तो दोस्तों मज़े की बात हो गई है, फिंचेस अपना घोंसला बनाना शुरू कर रही हैं, नेस्ट बनाना शुरू कर रही हैं माशाल्लाह दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अब है फिंचेस, पहले इधर थी लेकिन अब ऊपर वाली टोकरी में बैठी हुई हैं, ये ग्रीन वाली टोकरी में दो फिंचेस। माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही खुशी वाली बात है ये। दुआ कीजिएगा कि जल्दी से अंडे दें, ताकि हमारे मास्टर केज में नए मेहमान आ जाए, नए फिंचेस आ जाएँ दोस्तों। दोस्तों अब मैं अपने लकी कबूतरों को पकड़ता हूँ और उनको अपने पुराने घर में छोड़ते हैं। तो चलें जी, हम ज़रा मुश्किल होगी दोस्तों मुझे, क्योंकि ये जो मेल है उसके पर पूरे मौजूद हैं। तो ये देखें मेल को देखें, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी यार इसको पकड़ने में। बाकी फीमेल के तो मौजूद नहीं है, पर कटे हुए हैं उसके पर, लेकिन अच्छा। तो दोस्तों मैं अभी रहने देता हूँ, इनको नहीं पकड़ता, क्योंकि बारिशों का मौसम है। आज भी बता रहे हैं कि बारिश होगी, और आज मैंने कहाँ जाना है दोस्तों, आज मैं गांव जा रहा हूँ वापस, क्योंकि कल मेरा पेपर है। मैंने आपको बोला था कि कुछ छुट्टियाँ हैं, इस वजह से मैं वापस अपने घर आ गया हूँ। तो फिर इनको अभी रहने देते हैं, फिर मैं जब आऊँगा इनको फिर दोबारा हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उधर अगर रहेंगे तो मेरी गैर मौजूदगी में अगर बारिश आ गई तो काफ़ी मसला हो जाएगा। तो इनको तो ये काम दोस्तों स्किप करते हैं, लकी कबूतरों को अभी कुछ दिनों के लिए मास्टर केज में हम रहने देते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।